संसद भवन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले आरोपियों का राजस्थान से कनेक्शन सामने आया है। दिल्ली पुलिस की जानकारी के मुताबिक आरोपियों के फोन नागौर जिले में जले मिले हैं। मुख्य आरोपी ललित झा की निशानदेही पर आग में जलाए गए फोनों को बरामद किया गया है। आग की छानबीन की जा रही है। बता दें कि दिल्ली पुलिस आरोपियों के कनेक्शन के बारे में छानबीन कर रही और बीते कई दिनों से आरोपियों के मोबाइलों के बारे में भी जानकारी जुटा रही थी। दिल्ली पुलिस मुख्य आरोपी ललित झा की निशानदेही पर नागौर पहुंची, लेकिन वहां जो कुछ हाथ लगा वो जली हुई हालत में मिला। आरोपियों के मोबाइल आग के हवाले कर दिए गए थे। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल के पार्ट्स बरामद कर लिए हैं और उसे सीज कर दिया गया है। पुलिस सबूत के आधार पर जानकारी जुटा रही। देश की संसद में हुई घुसपैठ के मामले का नागौर कनेक्शन सामने आया। नागौर के कुचामन सिटी में उन मोबाइलों को पुलिस ने जब्त कर लिया जिन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश ललित झा व महेश कुमाऊत की तरफ से की गई थी। संसद में हुई घटना के तुरंत बाद महेश झा वहां से नागौर आ गया था और नागौर के कुचामन सिटी में उसने अपने साथी महेश कुमाऊत के सहयोग से उन सारे मोबाइलों को तोड़ दिया और उन्हें जला दिया। लेकिन फिर भी दिल्ली की स्पेशल सेल ने कुचामन सिटी से इन टूटे जले मोबाइलों को बरामद करने में सफलता हासिल कर ली। ललित झा के साथ कुचामन सिटी के महेश कुमाऊत को भी गिरफ्तार किया गया है। महेश का एक और भाई है, उसे भी पुलिस ने पूछताछ की है। जब ललित झा ने दिल्ली में सरेंडर किया तो ये बताया जा रहा है कि उसके साथ महेश भी मौजूद था, लेकिन एक और भाई था जो यहाँ ललित झा का इंतजार कर रहा था महेश के साथ मिलकर, उसे भी दिल्ली की स्पेशल सेल ने पूछताछ करी है। कुचामन सिटी का सीधा कनेक्शन इस मामले में सामने आ चुका है। संसद में हुई जो घटना है उस पूरे मामले को लेकर कुचामन सिटी का महेश कुमावत अब दिल्ली की स्पेशल सेल की गिरफ्त में और उससे पूछताछ चल रही है। महेंद्र बिश्नोई, न्यूज 18 राजस्थान, नागौर।